Walking alone, the streets are empty. The only thing. Run. वेलकम गाइस टू अनदर वीलॉग। सो जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, हमने मॉल रोड कवर किया। वेल, हमको मॉल रोड जाने का हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि हम बड़ी डाइसी और ट्रिकी सिचुएशन में थे। हमारा जो ट्रिप है उसके अकॉर्डिंग हमें कसौल निकलना था, पर इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरा कि पूरे रास्ते वहाँ के ब्लॉक हो चुके थे। इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा हम मॉल रोड चले जाते, वो कवर किया, और जब हम आए तो ये सरप्राइज़ हमें मिला कि वेदर क्लियर हो चुका है और बर्फ़ साफ़ हो चुकी है काफ़ी। तो अभी हमारी गाड़ी नीचे लग जाएगी और हम यहाँ से सीधे कसौल के लिए मूव कर जाएंगे। Run. तो हम लोग जस्ट अभी कसौल पहुँचे हैं। अभी कह रहे हैं जहाँ पे हमारे कैंप से, वो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है और वो ट्रैकिंग है पूरी। सो अभी गाइड हमको लेने आने वाला है और वो हमको गाइड करेगा वहाँ तक। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। सो हम जब कसौल सिटी में आए तो ये कुछ वहां से 2 या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा सा जंगल की तरफ कैंप्स बने हुए हैं। यहां पे कमरे भी हैं अलग अलग, बट मैंने कैंप्स ऑप्ट किया क्योंकि एक पर्टिकुलर गाइड होता है जो आपको वहां से सिटी से लेके गाइड करके यहां ट्रैक करवा के यहां तक लेके आता है। हमने उसको कॉल कर दी थी, वो हमको लेने आए और वहां से हम यहां आए। सो आई ट्राइड टू शूट बट अंधेरा बहुत था और कल यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ था काफ़ी, तो काफ़ी कीचड़ थी यहाँ तक आने में और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था शूट करने के लिए। सो आई कुड नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कैब कैसा बना हुआ है। एक ये सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए सर, एक वहाँ पे आपको सॉकेट भी मिलता है चार्ज करने के लिए, उन्होंने कुछ कंबल भी दिए जो कि डबल है एक्चुअली, और बेड का साइज़ भी इतना है कि 2 लोग सो जाए। सिंगल में सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि आपको जो टॉयलेट और वो वॉशरूम मिलता है वो आपको अटैच नहीं मिलता है उस, पर 4 लोगों के लिए आप जब बड़ा बुक करते हो तो वहाँ पे आपको एक सेपरेट लेट बाथ उन्होंने दिया हुआ है कैंप में। इसको भी उठा दे आदित्य को, बोल दिया इसको। प्रदीप कैसा लग रहा, सस्ता वाला समुराई जैसा भाई? ये हम मनाली से लेकर आए, वहाँ खरीदा क्या? नहीं, रोड से स्ट्रीट से लिया। हाँ, वो जस्ट अडॉप्टेड। हाँ नाइस है। उसको क्या टोपे के अंदर डाला है ना, नींद भी आ रही, ठंड भी लग रही है उसको, पर अच्छा है इसमें रखा उसको। सोने आए थे इस कमरे में, ऊपर से बेड और ठंड आ रहा। हमारे बेड में कौन सा हीटर लगा हुआ था? म्यूजिक। कह रही हूँ पार्वती नदी में नहाओ जाके। नहाओ? इसे उंगली डाल के दिखाना मेरे को। मैं उंगली डाल टच करके आ जाएगी, मेरे में तो पानी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज चुके हैं कुछ 9:30, पर टेम्परेचर अभी भी बहुत कम है, -2 हो रखा है। तो अभी हम लोग उसी साइट पर विजिट करने जा रहे हैं जहाँ से हम लोग रात को आए थे, क्योंकि वहाँ पे पार्वती रिवर बहती है, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। तो सभी लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग उसी तरफ मूव कर रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है क्योंकि साथ में बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे और स्नोफॉल होता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, तो थोड़ा पैर ठीक से रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, लगता है मैं ही थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गया, ये लोग निकल गए थे, मुझे लॉक शूट करना था। यस, फाइनली पहुंच गया उनके पास में। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह से। थोड़ी धूप मिली है, थोड़ी देर वहीं खड़ा रहूँगा, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर सही हो जाए। आंटी आटा का लगता है, मैदे का लगता है? आटे का लगता है। अच्छा देना, अंडा बना रहे आपके ग्लव गर्म नहीं है क्या? ये कहाँ की हवा जा रही हूँ मेरा, ये वाला सुन हो गया पूरा। अरे क्लब चलाने चाहिए था, वो 100 रुपए का जुगाड़, 80 रुपए का, वो गलती हो गई ना, वो नहीं गया। ए भाई थोड़ा और नीचे।
अबे मेरे को लेके मत जाना दोनों पानी ओवर एक्टिंग हो गया थोड़ा। गैस ये जगह घूमने के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा आपके काम से डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको एक ब्रेक चाहिए अच्छा सा, 10 बार आपके दोस्तों के साथ में आके कैंप्स के अंदर रह के यहाँ पे आराम से रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, डांस कर सकते हो, जो थकान है आपके ऑफिस के काम की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. हमको आपको आगे आना पड़ेगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। अरे बस। तो इसी के साथ कसौल की हसीन वादियों से विदा लेकर हम वापस पहुंचे हमारे कैंप्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।